उस समय दिलचस्पी और बढ़ गई। भारतीय जनता पार्टी मुद्दों के अलावा बहुत अलग तरह से तैयारी करती है। जो अलग तरह की तैयारी होती थी उसके बारे में हम लोग चर्चा करते थे, लेकिन कोई बात ऐसी नहीं कह पाते थे जिस पे जनता को ज्यादा भरोसा होता। जो बात इलेक्ट्रोल बॉन्ड की आई है, इलेक्ट्रोल बॉन्ड काले धन को सफेद करने की भाजपा ही गारंटी है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड को लेकर के बहुत चर्चा हुई है और उसको कभी कभी ये कहा जाता है कि चंदा है, लेकिन भाजपा की सरकार में ये चंदा नहीं है, ये वसूली है। जिन्होंने केंद्र सरकार की एजेंसी ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के डर से इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स दिए हैं, दरअसल वो वसूली है। सही मायनों में चंदा तो उन्हीं को मिला है जिनकी सरकार नहीं है, जो काम नहीं करा सकते हैं, लोन माफ नहीं करा सकते हैं या सरकारी ठेके नहीं दिलवा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी को जो चंदा मिला है वो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को लेकर के वसूली है ये। और इसका असर देखिए आप, जिन प्राइवेट कंपनियों से इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स इतने बड़े पैमाने पे लिए हैं, प्राइवेट नौकरी करने वाले सोचें कि अगर ये चंदा नहीं दिया गया होता तो इस लाभ के हिस्से से कंपनी वाले अपने एम्प्लॉयज की सैलरी बढ़ाते, बोनस देने के काम में लाते और ज्यादा लोगों को नौकरी देने के काम करते। भाजपा सरकार पीडीए के हक का आरक्षण मारने के लिए सरकारी नौकरी खत्म कर रही है और प्राइवेट वालों का सारा प्रॉफिट इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से हजम कर जा रही है। शायद यही देश में नौकरी के संकट का सबसे बड़ा कारण, इसलिए बेरोजगारी की समस्या का समाधान तभी निकलेगा जब खाऊ पार्टी भाजपा हटेगी। और जिस तरह के आंकड़े आ रहे हैं उससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी खाऊ पार्टी है। ये बात हम पहले भी जानते थे, अब तो ये सिद्ध भी हो गया है, इसलिए हम लोग बहुत पहले से कहा करते थे कि भाजपा हटाओ नौकरी पाओ। अब तो ये नारा हर युवक युवती की जवान पर पहुंच गया है। भाजपाइयों ने कहा था कि न खाएंगे न खाने देंगे, ये बहुत नारा चलाया था भारतीय जनता पार्टी ने। भाजपाई जहां जाते थे ये कहते थे, भाजपाइयों ने ये कहा था और नारे लगा करके कहा था, न खाएंगे न खाने देंगे, ये तो नहीं कहा था कि डकारेंगे नहीं। परिवार वाले सोचें कि वो आज महंगाई का सामना कर रहे हैं, उसका कारण भी भाजपा के द्वारा लाए गए यही इलेक्ट्रोल बॉन्ड है, क्योंकि इससे कंपनियों पर दबाव पड़ता है और वो दाम बढ़ाने पर मजबूर होते हैं। और इसी बहाने कुछ लालची व्यापारी कारोबारी मुनाफाखोरी में लग जाते हैं, जनता की जेब ढीली हो रही है और भाजपा के खजाने भर रहे हैं। जनता इन्हें हराकर अपना खामियाजा खुद वसूल लेगी। भाजपा के द्वारा लाए गए यही इलेक्ट्रोल बॉन्ड भ्रष्टाचार का कारण भी है। जीएसटी में टैक्स की चोरी करने के लिए जो व्यापारी और अधिकारी मजबूर हैं, वो भी भाजपाइयों की वसूली के शिकार हैं। भाजपाई नेता लोग कहते हैं, भाजपाई नेता लोग कहते हैं इलेक्ट्रोल बॉन्ड का पैसा तो पार्टी खाते में चला जाता है, तो फिर हमारे खर्चे कैसे चलेंगे? इसलिए वो कारोबारियों और दुकानदारों और ठेकेदारों से सबसे अलग की वसूलते हैं, उनसे भी वसूलते हैं। इन सब कारणों से उत्पादों में प्रोडक्ट्स की क्वालिटी गिरती है और निर्माण कार्य व दूसरे ठेकों की गुणवत्ता भी। कुछ मिलाकर
कुल मिलाकर भाजपा के द्वारा लाए गए इलेक्ट्रोल बॉन्ड के बारे में यही कहते हैं कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार की भाजपा ही गारंटी है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड जनता के शोषण की भाजपा ही गारंटी है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड युवाओं के भविष्य को मारने की भाजपा ही गारंटी है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड आम जनता के दुख दर्द और दमन की भाजपा ही गारंटी है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड बेरोजगारी, महंगाई व भ्रष्टाचार की जड़ में होने की वजह से 90% जनसंख्या वाले पीडीए की प्रताड़ना की भाजपा गारंटी है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड अर्थव्यवस्था और बैंकिंग सिस्टम को भ्रष्ट बनाने की भाजपा ही गारंटी है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड चुनावों को अत्यधिक महंगा बनाकर ईमानदार राजनीतिकों को चुनाव में हिस्सा न ले पाने की भाजपा ही गारंटी है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड पैसे के बल पर समाज में सोशल मीडिया और असामाजिक तत्वों के माध्यम से साजिश करके सामाजिक सौहार्द को बिगाड़कर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की भाजपा ही गारंटी है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड समाचार तंत्र और लालची मीडिया को ग्लैमर से जोड़कर महंगा बनाकर झूठी खबरें फैलाने व भाजपा की अपनी नकारात्मक संकीर्ण विभाजनकारी विचारधारा को प्रचारित करने के देश के माहौल में आपसी डर और अविश्वास का जहर घोलने की भाजपा की गारंटी है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड केंद्र की शक्तियों का दुरुपयोग और लोकतंत्र को ठेंगा दिखाने वाले दल बदल के लिए पैसे जुटाने और राजनीतिक वातावरण को प्रदूषित करने की भाजपा की गारंटी है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड विश्व भर में भ्रष्टाचार के इंस्टीट्यूशनल बनाकर के प्लैंड वे में पैसा इकट्ठा करने की नई साजिश और चाल के रूप में स्थापित करके दुनिया भर में देश की ईमानदार और लोकतांत्रिक छवि खराब करने की भाजपा की गारंटी है। कुल मिलाकर इलेक्ट्रोल बॉन्ड देश और देशवासियों की बर्बाद की भाजपा की गारंटी है। और अंत में मैं कहूं, इलेक्ट्रोल बॉन्ड महाघोटालों का सुप्रीमो है।